किसी भी अननोन नंबर का नाम आप किस तरह से पता कर सकते हो बिना ट्रू कॉलर एप्लीकेशन के। सो गाइस, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद अब आपके यहाँ सर्च बार में सर्च करना है ट्रू कॉलर। ट्रू कॉलर सर्च करने के बाद अब आपके यहाँ फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करना है। फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, मैंने जो है यहाँ पे ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया है। अगर आप यहाँ पे ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। सो गाइस, ये तो बेकार तरीका है, लेकिन एक और अच्छा तरीका है कि आपको अपने टेलीग्राम को ओपन करना है। अगर आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आपको जो है प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लेना है। टेलीग्राम को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है, और फिर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर सर्च बार में सर्च करना है ट्रू कॉलर। और फिर गाइस, ट्रू कॉलर सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह का बोट मिलेगा, आपको इसे जो है ओपन करना है। ट्रू कॉलर को ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस, अब आपको यहाँ पे नीचे इस स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज आएगा। सो गाइस, आपको जो है अगर किसी भी नंबर का नाम या उसकी लोकेशन जाननी है तो आपको जो है उसे 91 के साथ लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक अननोन नंबर लगा के बताता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 91 के साथ और एक अननोन नंबर डाला था। जो भी आपका कंट्री कोड है आपको यहाँ पर लिखना है, और फिर उसके बाद जो है उस नंबर को डाल लेना है। इतना करने के बाद गाइस, उस नंबर का नाम, उसकी जो है सिम, उसकी लोकेशन और बाकी सारा डाटा जो है वो हमारे पास आ चुका है। सो इस तरह से आप किसी भी अननोन नंबर का नाम और बाकी सब पता कर सकते हो। और अगर गाइस आप चाहते हो बिना ट्रू कॉलर को इंस्टॉल किए आप ये करना चाहते हो, आप इस बॉट की सहायता से कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।